नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास देशमुख मनोविकास क्लिनिक वाशी से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है धात सिंड्रोम। नाम बहुत बड़ा लगता है धात सिंड्रोम, लेकिन असल में ये कोई बड़ी बीमारी है नहीं। लेकिन ये है क्या, इसको मैं बहुत बार हम लोग मजाक से बोलते हैं गलत फहमियों का सिंड्रोम। मतलब ये पूरी बीमारी ही गलत फहमियों की वजह से, गलत धारणाओं की वजह से होती है। तो ये धात सिंड्रोम है क्या? धात सिंड्रोम में पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि ये धात या शुक्राणु या सीमेन बॉडी के बाहर जाने की वजह से मुझे वीकनेस आ रहा है, मुझे थकान आ रही है, मेरे सेक्स में मुझे कुछ कमतरताएं आ रही है, मेरा सेक्स पावर कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें उनको लगता है कि धात बॉडी के जाने, बॉडी में से बाहर जाने की वजह से हो रही है। ये धात सिंड्रोम होता क्यों है और सच्चाई क्या है उसके बारे में अपन जानते हैं। धात सिंड्रोम इसलिए पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे वीकनेस आ रहा है क्योंकि हजारों सालों से पुराणों में भी ये लिखा गया है। जैसे चरक संहिता करके एक बहुत आयुर्वेद का बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी ऐसा लिखा गया है कि एक बूंद धात से 100 बूंद या 200 बूंद खून बनता है। और बहुत सारे लोग भी पुराणों में ऐसा बोलते हैं कि एक एक बूंद धात बनता है 100 बूंद या 200 बूंद खून से। और सबको पता है कि खून तो ताकत देता है, तो सबको लगता है कि धात मतलब कॉन्सेंट्रेटेड खून है और धात शरीर से जाने की वजह से बहुत सारा वीकनेस, बहुत सारी कमियां इंसान में आ जाती है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है अपन बाद में देखते हैं। तो ये धात कैसे जाता है शरीर से? चार तरीके से धात शरीर से बाहर जा सकता है। तरीका एक, आप अगर हस्तमैथुन करते हो तो ठीक है, तो पेशेंट को लगता है कि मैं बचपन से हस्तमैथुन करता हूँ, इतना सारा मैंने इंपॉर्टेंट धात, प्रीशियस धात, मूल्यवान धात, अमूल्य धात वेस्ट किया है, तो मुझे उसका कभी ना कभी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो शादी से पहले, शादी के टाइम पे टेंशन में आता है, तनाव में आता है कि मेरा धात का इतना लॉस हुआ है, अभी मैं मुझे वीकनेस आने वाला है। दूसरी एक ये है नाइटफॉल। जब आप हस्तमैथुन नहीं करते हैं, शरीर संबंध नहीं करते हैं, तो धात तो शरीर में बनते ही जाता है, तो वो शरीर नाइटफॉल के थ्रू बाहर कभी कभी आ सकता है। तीसरा जो मौका है वो कब आ सकता है? जब आप इंडियन स्टाइल में कभी कभी लैटरिन के लिए, संडास के लिए बैठते हैं, तो इंडियन स्टाइल में बैठने की वजह से अपना प्रेशर प्रोस्टेट नाम के ग्रंथि के ऊपर आता है और वहाँ से कुछ कुछ वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है, जिसको देख के लोगों को लगता है कि वो धात जा रहा है और उनकी वजह से उनको वीकनेस आ रहा है। चौथी चीज, जो लोग अपने आप को हस्तमैथुन करने से रोकते हैं या फिर सेक्स भी नहीं करते हैं, वो कभी कभी अपने गर्लफ्रेंड से, अपने पत्नी से फोन पे सेक्स की बातें करते हुए या कभी कभी ब्लू फिल्म्स यानी पॉर्न फिल्म्स देखते हुए उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि धात जा रहा है या पानी छूट रहा है। और पांचवी चीज, सेक्स करते हुए कुछ कुछ लोगों को तो ऐसे भी लगता है कि ज्यादा सेक्स करने से कमजोरी आती है। ठीक है, तो मित्रों ये सारी गलत धारणाएं है। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि धात बनता ही इसलिए है कि वो बॉडी से बाहर जाए। धात का बॉडी के अंदर कुछ काम नहीं, इंसान के शरीर के अंदर कुछ काम नहीं है। जैसे एक फैक्ट्री है जो कंटिन्यूअस माल बनाती है, वैसे कंटिन्यूअस बॉडी एक फैक्ट्री है जो कंटिन्यूअस धात बनाती है। जैसे यूरिन बनता है, पेशाब बनता है, जैसे थूक बनता है, जैसे सर्दी बनती है और वो सब कभी ना कभी बाहर निकलना जरूरी है, वैसे ही धात बाहर निकलना जरूरी है। अगर बहुत दिनों तक धात बाहर नहीं निकला, आप ना शरीर संबंध करोगे ना आप हस्तमैथुन करोगे, तो धात बाहर आने के दो तरीके होते हैं। एक है नाइटफॉल और दूसरा है कभी कभी अपने आप इससे बाहर आने का। नाइटफॉल को स्वप्न दोष बोलते हैं, लेकिन ये दोष नहीं है, ये नेचुरल बॉडी की प्रक्रिया है जिसमें धात बाहर आता है और इससे कोई वीकनेस आने की संभावना है नहीं। तो फिर ये धात बाहर क्यों आता है? जैसे बॉडी कंटिन्यूसली धात बनाते रहती है, एक कोई टंकी है या नल है जिसमें अगर कंटिन्यूसली आप पानी भरते रहो और नीचे का उसका जो नल है वो बंद रखे, जिससे पानी बाहर निकलने का कोई उससे उसमें जगह ही नहीं है, तो वो टंकी ओवरफ्लो हो जाएगी। वैसे नाइटफॉल या स्वप्नदोष मतलब धात ओवरफ्लो हो जाना, तो ये कोई सिंड्रोम नहीं है। तो ये सिंड्रोम से वीकनेस क्यों आती है? बचपन में आपने कहीं भूत प्रेतों की कहानियां सुनी होगी, जब अपन बहुत विश्वास करते हैं भूत प्रेतों पे कि ये पीपल के पेड़ पे भूत है, ये पीपल के पेड़ पे प्रेत है, तो वहाँ जाने के बाद अपने को डर लगना चालू होता था बचपन में। छाती में धड़कने आना, धक-धक करना, हाथ पाँव कांपना, घबराहट सी फूल होना, बेचैनी होना। सबको पता है भूत रहते नहीं है, पिशाच रहते नहीं है,
ठीक है, लेकिन बचपन की वो धारणाओं की वजह से वो पेड़ के पास जाने के बाद घबराहट और वीकनेस लगने लगता है। वैसे ही धात सिंड्रोम एक मन में बैठा हुआ पिशाच है, मन में बैठा हुआ घबराहट की बीमारी है। सबको ऐसा लगता है कि धात जा रहा है तो भी मुझे वीकनेस लगेगा, टेंशन होगा, मेरा सेक्स पावर कम हो जाएगा, और कंटिन्यूस वो सोच की वजह से, तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो पेशेंट को एंग्जाइटी या डिप्रेशन लग सकता है। और एंग्जाइटी और डिप्रेशन में वीकनेस आना स्वाभाविक है, तनाव कम होना स्वाभाविक है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में सेक्स की इच्छा कम होना स्वाभाविक है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में सेक्स की पावर भी कम होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से धात सिंड्रोम होता है। और बहुत सारे पेशेंट, गरीब पेशेंट कहीं भी झोलाछाप डॉक्टर के पास जाके उसकी बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लेते हैं, उनका बहुत महंगी महंगी फीस देते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर एंग्जाइटी डिप्रेशन आपको हो तो ही आपको दवाई की ज़रूरत है, बाकी आपको सिर्फ धात सिंड्रोम के लिए आपको धारणाएं चेंज करने की ज़रूरत है, आपकी गलत फहमियाँ चेंज करने की ज़रूरत है। ये गलत फहमियाँ और धारणाएं आप चेंज कर पाओ तो आपको किसी भी दवाइयों की और बहुत बड़े खर्चे वाले इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो धात सिंड्रोम के बारे में जानिए, आप खुद जानिए, आपके दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। बहुत बार ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद, हाँ यार मैं भी ऐसा सोचता हूँ, लेकिन आप अकेले ऐसे सोचने वाले नहीं है, आपके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे पड़ोसी ये सारी चीज ऐसे सोचते हैं कि धात जाने से वीकनेस आता है। तो सबको इस वीडियो के बारे में बताइए और नॉलेज या साइंटिफिक व्यू धात सिंड्रोम के बारे में सबको, सब तक पहुँचाने में आप अपना सहयोग दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए लिब्रेट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।